सलाम दोस्तों, आज हम आपके लिए फ़िश बारबेक्यू लेके आए हैं। ये हमने फ़िश को कटवा लिया है, जो मछली है, और कोयला हमारा हल्की आंच के ऊपर अभी दहक रहा है, सो दैट कि जब हम इसे इन ग्रिल्स के ऊपर फिक्स करें तो कोयला बहुत धीमी आंच पे हो और उसमें ये आराम से तैयार हो सके। फ़िश के ऊपर हमने जो है धड़ा मिर्च, नमक, लीमू और सिरका जो है लगाया है, और उससे इसके ये पीसेस को हमने कुछ देर इसी तरह रखा है, सो दैट कि ये प्रॉपरली इसके अंदर मसाला आ जाए। उसके साथ ये शरमई है, ये कंघी वाली छोटी मछली होती है, इसके ऊपर भी मसाला लगा दिया, और ये अपनी स्किन के साथ इसी तरह से हम इसे बारबेक्यू करेंगे। तो आएँ इसको अब हम ग्रिल्स पे लगाते हैं और साथ साथ आप हमारा ये एक्सपीरियंस देखिए। ये बड़े बड़े पीसेस इसके कटवाने होते हैं, सो दैट कि आराम से इस ग्रिल में फिक्स हो जाए। अब ये हमारी एक ग्रिल तैयार हो गई है, इसको हम बंद करेंगे। इसी तरह अभी से हम साइड पे रख के दूसरी ग्रिल को भी साथ ही तैयार कर लेंगे। उसमें हम ये शेरमाई, जो छोटी मछली है, इसको लगाएंगे। ये अगर हल्की आंच पे पके, तकरीबन इसको तैयार होने में 35 से 40 मिनट, 40-45 मिनट तक लगते हैं, जिसमें ये सही तरीके से हल्की आंच के ऊपर भुन जाती है और बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार बारबेक्यू इसका तैयार होता है। बस इसको आपने देखना है, ज़्यादा कोयला तेज़ आंच पे ना हो, वरना इसकी जो स्किन है अमूमन वो साथ ही चिपक जाती है। ये अब तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ खाने के लिए चटनी हम पहले बना चुके हैं, उसकी रेसिपी हमने आपसे पहले भी शेयर की, और ये दूसरी ग्रिल भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम कोयलों को ज़रा फैला के उसके बाद इसको इसके ऊपर रख देंगे, और ये उसी तरह से ईंटों की अंगीठी है, जो आप हाइट पे अपने मुताबिक अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके लगा सकते हैं। जब कोयला फैल गया अच्छी तरह, जब कोयला इक्वली स्प्रेड कर दिया हमने उसमें, और बहुत ही हल्की आंच पे दहक रहा है, आप इसे देख लें। ये बनाने से पहले आप 15-20 मिनट अगर कोयला को जला लें तो बेहतर है। ये अब हम ग्रिल इसके ऊपर जो है रख देंगे। और इसका ये भी आपको फ़ायदा है कि ये कोयले से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो अंगीठी जितनी आपकी ऊंची होगी उतना फ़ायदेमंद है। ये अब इस पर लग गई है, अब इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसके जो है साइडों को तब्दील करेंगे।
अब साथ साथ जैसे ही गर्म हो रही है हम इसको पलटते जाएंगे। ये आप देखें तो ये साथ साथ तैयार होती है आहिस्ता आहिस्ता। ये दोस्तों अभी हम फर्स्ट सेट को बस ये अब कंप्लीट होते हुए है। ये दोस्तों अब बस तैयार हो गई। तो ये 45 मिनट जो टाइम मैंने आपको पहले भी कहा था वो था जब से कोयले आप पहले दहका के उन्हें एक दफ़ा हल्की आंच पे कर लें और उसके बाद जब आपकी फ़िश तैयार हो जाए तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये इसका बारबेक्यू भी रेडी हो जाता है। ये अब तैयार है और अब हम इसको जो है उतारेंगे। ये दोस्तों अब बस तैयार हो गई है और इसको हम दोस्तों अब हमारी फिश तैयार होगी। अब हम इसको वो जो शेरमाई है कंगी वाली मछली ये शेरमाई है कंगी वाली मछली और हम ये उतारेंगे। दोस्तों ये था आज का बारबेक्यू फिश टिक्का। बहुत ही आसान है और बड़े आराम से आप घर बना सकते हैं, स्पेशली आजकल के दिनों में जब सर्दी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई और काफ़ी हेल्दी डाइट भी है। तो एंजॉय वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।